सिंगल विंडो सिस्टम एवं औद्योगिक नीतियों के कारण प्रदेश में विकास एवं औद्योगिकरण को पंख लग गए, जिसके परिणाम स्वरूप 2018 में पूज्य योगी जी महाराज की सरकार द्वारा प्रथम इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया, जिसमें हमारी कंपनी ने भी 50 करोड़ का एमओयू करके एक जर्मन टेक्नोलॉजी का 2019 में प्लांट लगाया। परम पूज्य योगी जी महाराज के नेतृत्व की वजह से गोरखपुर क्षेत्र को एक नई पहचान मिली, जिससे हमने बड़ी कंपनियां हल्दीराम, बीकानेर, अमूल, ज्ञान, बीकाजी, बीकानो जैसी कंपनियों के साथ भी व्यापार शुरुआत करी। पुनः 2022 में फिर महाराज जी के नेतृत्व में सरकार बनी और एक बड़ा इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया, जिसमें देश और विदेश के सभी लोगों ने खुले रूप से भाग लिया। पुनः हमारी कंपनी ने एक 55 करोड़ रुपए का एमओयू किया, जो कि फरवरी 2024 में हमारा प्लांट स्टार्ट हो चुका है। आज हमें पेपर और प्लास्टिक की पैकेजिंग भारत के साथ साथ हम निर्यात भी कर रहे हैं। केवल 2005 में 500 टन प्रति सालाना क्षमता और 9 कर्मचारियों के साथ प्रारंभ की गई कंपनी आज 15,000 टन सालाना क्षमता और 500 कर्मचारियों के साथ कार्यरत है। आज परम पूज्य योगी महाराज जी के आशीर्वाद से, गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से एक नया उद्योग का शिलान्यास महाराज जी द्वारा किया गया है, जो जिसकी लागत लगभग 300 करोड़ रुपया और उनके कर कमलों द्वारा किया गया, जिसमें 750 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इस नई इकाई में सर्कुलर इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए कंपनी का उद्देश्य 100% रिसाइकलेबल एंड रीयूजेबल पेपर एंड प्लास्टिक फूड एंड बेवरेजेस की पैकिंग का निर्माण करने का है। साथ ही साथ कंपनी ने रेडी टू ईट फूड की पैकेजिंग का भी निर्माण करेगी, जिसमें कोई भी खाना रखने के बाद कम से कम 6 महीने तक उसकी शेल्फ लाइफ रहेगी, जो कि हमारे दुर्गम क्षेत्रों में सैनिक, बॉर्डर पे सैनिक, जहाँ पे खाना नहीं उपलब्ध हो पाता है, वो उस पैकेट को ले जा करके 4 महीने 5 महीने बाद भी गर्म पानी में बॉयल करके खा सकते हैं। उसकी शुद्धता और हाइजीन सेफ्टी वैसी की वैसी ही बनी रहेगी। इस नए उद्योग में कंपनी ने ग्लोबल रिसाइकलिंग सिस्टम के तहत 5,000 टन वार्षिक क्षमता का प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट भी लगाया है, जिसका एग्रो की पैकेजिंग होगी, जिससे हमारा सीधा फायदा किसानों को होगा। कंपनी द्वारा 3 मेगावाट का सोलर प्लांट भी लगाया जा रहा है, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी विजन है। कंपनी की क्षमता करेंट में इस प्लांट के लगने के बाद 1200 कर्मचारी के साथ 30,000 टन सालाना हो जाएगी। मैं अपने वाणी को समाप्त करने में लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा, यही उत्तर प्रदेश है जहाँ के युवा रोजगार यहाँ से देश विदेश में जा कर के कार्य करते थे। आज महाराज जी की कृपा से और उद्योग का निवेश होने से आज उनको यही उत्तर प्रदेश में ही रोजगार मिल रहा है, और यही उत्तर प्रदेश जो बाहर से माल खरीद करके यहाँ पे खपत करता था, आज वही उत्तर प्रदेश माल बचा करके पूरा देश विदेश और सब जगह निर्यात करेगा। इसमें महाराज जी की विजन और महाराज जी की सोच और महाराज जी का जो अभियान है, हम सब उसके साथ हैं और अपने अपने ढंग से उसके लिए हम लोग मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं। इसी के साथ वाणी को विराम करता हूं और हमारा एसजी इंटरनेशनल परिवार, समस्त कर्मचारीगण, सहयोगी, आदरणीय श्री महाराज जी का हृदय से आभारी हैं और आपके आशीर्वाद की कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। धन्यवाद सर। स्वागत उद्बोधन की इस श्रृंखला में मंच पर आसीन माननीय विधायक सहजनवा श्री प्रदीप शुक्ला जी से सादर अनुरोध है। बोलिए जय श्री राम। आज गीडा विकसित परियोजना शिलान्यास एवं लोकार्पण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित पूरे भारतवर्ष के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी का मैं सहजनवा की धरती पर हृदय से अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद रवि किशन शुक्ल जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधायक ग्रामीणी आदरणीय विपिन सिंह जी, विधायक कैंपियरगंज आदरणीय फतेह बहादुर सिंह जी, विधायक खजनी आदरणीय श्री राम चौहान जी, विधायक के